गुरु से गले में माला ले ली तो सत्संग से जुड़ गए क्या? माला से जुड़ गए। सत्संग से जुड़ना तब होगा जब मन सध जाए, जब ज्ञान हमारे विचारों में उतर जाए। ट्रेनिंग पहले जरूरी है, शिक्षा पहले जरूरी है, दीक्षा बाद की चीज है। पटना में था एक आदमी, आया कहा मुझे दीक्षा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितने दिन से विचार बनाए हैं दीक्षा का? तो उन्होंने कहा 2-3 महीने से मैं आपको सुन रहा हूँ, तब से मेरी इच्छा है कि मैं आपको आपसे ही दीक्षा लूँ। तो मैं कहा ठीक है, अगर ऐसा मन आपका मजबूत है, विचार मजबूत है, तो सुबह 8 बजे का समय रहेगा, मैं फ्री रहूँगा, आप आइए, फिर आपको माला दिया जाए। तब उन्होंने कहा माला हमेशा पहनना पड़ेगा क्या? मैंने कहा अभी आप रुक जाइए, अभी आप दीक्षा मत लीजिए। इतनी ही बात पर मैंने दीक्षा रोक दिया। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा जब सवाल पैदा हो गया कि माला हमेशा पहनना पड़ेगा क्या, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है। गुरु का दिया हुआ प्रसाद अगर किंतु लेकिन परंतु में आ गया, मतलब आपकी तैयारी अधूरी है, फिर आप दीक्षा के पात्र नहीं। इसका मतलब अभी आप शिक्षा के पात्र हैं, अभी आप शिक्षा और लीजिए। जिस दिन आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, आप अहोभाव और सौभाग्य समझेंगे कि गुरु का आशीर्वाद मुझे गले में मिला और मैं इसको सदैव साथ रखूंगा। आप दुनिया भर का चैन सिकड़ी लॉकेट गले में डाले दिखाते हैं लोगों को कि देखो मैं सोने का पहना हूं, जो छूट जाएगा गुरु का दिया हुआ वो दिव्य माला, जो उससे भी कीमती है। धन में जरूर वो ज्यादा होगा, पर आध्यात्मिक दृष्टि से माला से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं जो गुरु देते हैं। तो जिस दिन आप उसके महत्व को समझ लेंगे, फिर और वो ऐसा इसलिए बोले कि लोगों के बीच रहेंगे, थोड़ा सा शर्म लगेगी गले में माला पहने। मैंने कहा लोगों को नशा करने में शर्म नहीं आता, गाली देने में शर्म नहीं आता, शराब पीने में शर्म नहीं आता, जुआ खेलने में शर्म नहीं आता, लेकिन तिलक लगाना हो तो शर्म आती है, गुरु का माला पहनना हो तो शर्म आती है, ज्ञान का शब्द बोलना हो तो शर्म आती है। का दुर्भाग्य है देश का, शर्म आनी चाहिए गलत करने में, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में, शर्म आनी चाहिए नशा करने में, शर्म आनी चाहिए किसी का अपमान करने में, लेकिन तब तो आप बड़े सीना ठोक के करते हैं। लेकिन जहां धर्म की बात है, जहां जीवन के सत्य को उजागर करने की बात है, जहां और आपको गर्व से तिलक धारण करना है, माला धारण करना है, वहां आप कह रहे हैं माला हमेशा पहनना पड़ेगा। मैं कहा भी आप रुक जाइए। कहे नहीं नहीं मुझे दे दीजिए। मैं कहा अब आपको नहीं मिलेगा, अब आप बाद में लीजिएगा और आश्रम पर आके लीजिएगा जिस दिन पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैं शिक्षा में ज्यादा विश्वास रखता हूं, दीक्षा तो बाद की चीज है, खुद हो जाएगी। जैसे कोई पुलिस में सेना में जाते हैं तो जाते ही वर्दी थोड़े दे देते हैं, पहले ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग में आप परफेक्ट हो जाते हैं तो वर्दी तो मिल ही जाती है, वर्दी भी जरूरी, लेकिन जिस दिन गए और वर्दी दे दिया, फिर आप उस वर्दी का महत्व तो नहीं जाने। वर्दी का बड़ा महत्व होता है। पुलिस के पास भी वर्दी, आर्मी के पास भी वर्दी है, थोड़ा मोड़ा विभाग भी एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। डॉक्टर के पास भी वर्दी, वकील के पास भी वर्दी, ड्राइवर जो है उसके पास भी वर्दी है, ट्रेन और प्लेन के ड्राइवर है, उनके सबके वर्दी, सबका अलग अलग ड्रेस, सबके मानसिकता, सबके आचरण में फर्क पड़ जाता है। आर्मी का ड्रेस किसी के पास है तो आप देखते ही हृदय में एक सम्मान और अभिवादन का भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वर्दी के पीछे जो उसकी ट्रेनिंग है, जो भाव है, वो राष्ट्र की सीमा की रक्षा का है। वो जाते ही वर्दी लेके खड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वर्दी कुछ संकेत करती है। तो वर्दी बड़े ही तप, बड़े ही साधना और बड़ी तपस्या के बाद मिली। डायरेक्ट मिल जाए तो कोई महत्व नहीं समझे,
इसलिए जब वर्दी ट्रेनिंग के बाद मिलती है तो उसका एक अलग गरिमा होती है। अब जैसे कोई वर्दी का महत्व, इसलिए एक आदमी ने कहा माला नहीं लेंगे तो क्या काम नहीं बनेगा। मैं कहा वर्दी का और चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। डायरेक्ट ले लेंगे तो शायद कोई मतलब का नहीं होगा, प्रक्रिया से लेंगे तो अर्थ होता है। जैसे वर्दी का महत्व इसलिए होता है कि कोई आर्मी का जवान है, सेना का, आप उसको धोती कुर्ता तिलक लगा के और माला पहना के खड़ा कर दीजिए बॉर्डर पर, गोली नहीं चला पाएगा। धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, माला पहन के, हाथ में आरती की थाल लेके पूजा करेगा, वो भाव से हो जाएगा, भाव बदल जाता है। जो कोई भी यहाँ सेना में पुलिस में होंगे, आप खुद अनुभव करते होंगे, आप ड्रेस हटा दीजिए, आपका भाव थोड़ा अपने आप में ही चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे आप वर्दी में आ जाते हैं, रौब आ जाता है, थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी भी है तो लगेगा हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है। तो ये वर्दी का कमाल होता है। लेकिन वर्दी जब बिना समझदारी और बिना ट्रेनिंग के मिल जाए तो गड़बड़ भी होता है। डॉक्टर की वर्दी में किडनियां बेच दी जाती है, वकील की वर्दी में झूठ को गलत, सच और सच को झूठ कर दिया जाता है, ये भी खेल चलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब गुरु से हम पहले शिक्षा लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम दीक्षा भी लेते हैं, वो बाहरी चीज है। लेकिन सदगुरु कबीर जो यथार्थ में बात रखते हैं वो यह रखते हैं कि माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ई तो सुमरन नाहे। कि आप माला गुरु से ले लिए, हाथ में चल रहा है, और मन क्या हो रहा है, दुनिया भर में चक्कर काट रहा है, आंख बंद है, राम राम गुरु गुरु, और मन बाजार का चक्कर काट रहा है। साहब कहते फिर ये सुमिरन हुआ ही नहीं। असली सुमिरन क्या है कि हाथ में माला हो ना हो, मन आपका अपने हाथ में होना चाहिए, मन आपका अपने नियंत्रण में होना चाहिए। जिस दिन मन अपने वश में हो जाएगा, मन अपने नियंत्रण में हो जाएगा, समझ जाए आपका सुमिरन हो गया। तो बहुत सौभाग्य का समय होता है जब सत्संग मिलता है। गुरु का दर्शन साधारण बात नहीं होता, संतों का दर्शन साधारण बात नहीं होता। गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग और यथार्थ सत्संग जब मिले जीवन में, अहोभाग्य समझिए कि कोई ना कोई हमारा पुण्य उदय हुआ जो संतों का सानिध्य मिला। और सौभाग्य है, संकल्प यह लेना है कि अब हमें इस पर चलना है, सुनना ही नहीं। इधर से सुने और कहीं इधर से निकल गया तो फिर बेकार। इधर से सुनिए और इधर से भी सुनिए, दोनों को लेके यहाँ ले आइए, हृदयंगम करिए। एक होता है कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना मतलब किसी चीज को याद कर लेना। तो आजकल लोग यही करते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। जो सत्संग हम सुनते हैं हम कंठस्थ कर लेते हैं, कंठ में ले आए और फिर यहीं से निकाल निकाल के हम दूसरों को देते हैं। हाथ में तंबाकू भी रगड़ रहे हैं और सत्संग भी बोल रहे हैं। तो एक ये होता है। अब कई लोग को आप देखेंगे, एक घटना हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी बताते हैं अपने जीवन की घटना, कि एक बार वो अपने आश्रम, जो उनका एक और शाखा आश्रम था, वहां बैठे थे। तो एक भक्त आदमी जो उन्हीं का शिष्य था, संयोग से उस सुबह निकला, हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहा था और हाथ में ऐसे तंबाकू रगड़ते जा रहा। तो साहब की नजर उस पर पड़ गई, तो जहां वो बैठे थे वहां से सड़क ऐसे आती थी और उधर मुड़ जाती थी, मतलब उनकी नजर साहब पर नहीं पड़ी जो आदमी तमाकू रगड़ रहा था, और वो साहब का ही शिष्य था, भक्त था। तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहि लोक उजागर, और हाथ ऐसे चल रहा है, बड़े मस्ती में जा रहा है। साहब की नजर पड़ गई, साहब को हैरानी हुई कि क्या कर रहा है, ये तंबाकू रगड़ रहा है कि हनुमान जी को रगड़ रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा। तो साहब ने कहा कौन हो जी, आवाज दी। हाथ तब तो उसका आगे था, उसको लगा साहब ने देखा नहीं, वो घूम गया, कहा जी मैं, और हाथ पीछे कर लिया। और साहब पर नजर पड़ी तो दोनों हाथ पीछे करके उधर ही बना बनाया माल फेंक दिया, फिर हाथ आगे किया, जी मैं। साहब ने कहा जाओ, काम हो गया। उसने कहा कुछ बोले नहीं,
साहब ने कहा नहीं काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। वो भी घबरा गया, क्या काम हो गया? कहा साहब बताइए ना क्या हो गया। कहा मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज को स्वीकार करती है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। और हम जान लिए, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा को ये पता है कि तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए मेरे सामने आने से पहले तुमने तमाकू झाड़ दिया। अगर तुम हाथ में प्रसाद रखे होते तो तुम ऐसे करके कहते साहब प्रसाद है, बस खा रहे। पर तंबाकू रखा था, तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा कि तुम नशा वाला चीज किसके सामने लेके जा रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा इसको जल्दी पीछे फेंको, तुमने फेंक दी। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर ये बोध है कि नहीं कि ये गलत है, और फिर भी तुम कर रहे हो मन के अधीन होकर। तो इसी को कहते हैं जान बूझ जो कपट करत है तही असमंद न कोई, कहीं कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। कि अगर तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है कि तंबाकू खाना बुरा है, फिर क्यों खा रहे? तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है शराब गलत है, फिर क्यों पी रहे हो? तो साहब ने कहा कि तुम्हारे भीतर की चेतना जगी है, भीतर की चेतना, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में हल्की सी जगी है कि तुमने मर्यादा किया मेरा। बस इतना तुमने ध्यान रखा कि महापुरुष हैं, संत हैं, इनके सामने तंबाकू नहीं खाना है, तुमने फेंक दिया। पर तुम ये भूल गए कि हनुमान जी जैसा पवित्र आदमी का तुम तंबाकू के साथ रगड़ रहे। तुम नाम भी जप रहे हो, तंबाकू भी रगड़ रहे हो, तुम उन्हीं को रगड़ रहे हो, ये अपमान है। तुम उनका नाम लेके मांस काट रहे हो, तुम उनका नाम लेके पाठ कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके फिर हत्या कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कहा ये पाप है, ये मत करो। इस तरह से संत हमें जागृत करते हैं। तो ये सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, पर हमें जगाता है, हमें बोध कराता है। सच्चे अर्थों में सत्संग यही है। और हम सब यही चेष्टा करें कि जब संतों के दर्शन, संतों के सत्संग में बैठें, तो निस्वार्थ भाव, निष्कपट भाव, कि बस कल तक जीवन में क्या था अंधकार, वो कल तक पर छोड़ दीजिए। आज हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला होना चाहिए, आज हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आज यहां से जाइए तो एक परिवर्तन लेकर जाइए, एक बदलाव लेकर जाइए अपने जीवन में, अपने मन, अपने वाणी, अपने वचनों, अपने कर्मों में। अगर आप यहां से एक परिवर्तन, एक बदलाव लेकर जा सके, तो सच में आप यहां से सत्संगी होकर जाएंगे, आप धार्मिक होकर जाएंगे। वरना धर्म और सत्संग वैसा ही होगा जैसे मुख में राम, बगल में छुरी। फिर हम भी वही करें कि बाहर बाहर सत्संग है, भीतर कपट। कि बाहर बाहर भगवान का नाम है और मन में सकुनी का कपट जाल है। बाहर बाहर भगवान की पूजा है और भीतर मंथरा की चाल है। बाहर बाहर देवता की पूजा है और भीतर दानवों का जीवन है, तब समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर सच में राम को अपने हृदय में बुलाना है, राम का आगमन होना है, तो उनके आदर्शों को लाइए, उनके चरित्र को लाइए, उनके ज्ञान को लाइए, उनके प्रेम को लाइए। वो प्रेम जो भाई भाई में अटूट प्रेम बन सके, वो प्रेम जो आपके घर को मंदिर बना सके। और जब वो नहीं है तो राम की पूजा फिर पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर कृष्ण की पूजा सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं है। अगर कोई कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भगवान को पूजते हैं, हम तो उनके वंशज हैं, अब वो भर भर मुंह मांस खाते हैं। अब सच में देखिए तो कंस के भक्त हैं वो, लेकिन नाम अपना कृष्ण से जोड़ते हैं। अब जो कंस का भोजन कर रहे हैं, राक्षस का भोजन कर रहे हैं, जो राक्षस वाला जीवन जी रहे हैं, वो भी कहते हैं हम तो कृष्ण के वंशज और भक्त हैं, फिर एक गलत बात। भगवान कृष्ण की पवित्रता, भगवान कृष्ण का आदर्श जब हमारे जीवन में उतरेगा, तो फिर कोई कहना नहीं पड़ेगा आप हैं कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त का मतलब क्या है? जो अपने भीतर के सारे कषायों को निकाल सके,
जो अपने भीतर के सारे विकारों को निकाल सके, जो सिर्फ प्रेम की मधुर वंशी बजाए, जिसके लिए अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जो ये भाव लेकर चलता है वही कृष्ण भक्त बन जाता है। पिता महान है इस बात को लेकर बच्चा महान नहीं हो जाता, बच्चे को अपनी महानता दिखानी पड़ती। गुरु महान है, उनसे दीक्षा लेके शिष्य महान नहीं हो जाता, शिष्य को तप करना पड़ता है। उसी तरह कृष्ण भगवान के वंश में जन्म लेने से कोई कृष्ण नहीं हो जाते, उनका भक्त नहीं हो जाते। राम जी की पूजा करने से कोई राम नहीं बन जाते, उनका कोई भक्त नहीं बन जाता। उसके लिए वैसी तपस्या, वैसा जीवन, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। पाप काटने के लिए मंत्र नहीं जपना है, पाप काटने के लिए पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। जब तक पाप करना रुकेगा नहीं, तब तक पाप कटेगा। एक तरफ ये सोचें कि नहीं पाप करते जा रहे हैं और पाप काटने की कथा भी करवा रहे हैं। बहुत से कथाएं आज होती है पाप काटने वाली कथाएं, दुख नाशक कथा, विपत्ति नाशक कथा, धन वर्षा कथा, तमाम कथाएं आज चलती है। और बहुत से लोग हमारे समाज में जो कथाएं करवाते हैं कि आपका सारा पाप कट जाए, पर वो कभी नहीं कहते कि पाप रोकना पहले पड़ेगा। जैसे आप सबके छत पर टंकी है, मोटर से कनेक्ट है, आप टंकी को खाली करना चाहते हैं और उधर कोई मोटर चला दिया और आप इधर टंकी खाली कर रहे हैं, होगा खाली? मोटर का पानी भी उसमें आ रहा है और आप इधर नल भी खोले हुए हैं तो क्या होगा? आप जितना पानी निकाल रहे हैं उतना वो वापिस टंकी में उधर से भर रहा है। आप सोच रहे हैं क्या करें, कहां भूल हो रही है, टंकी खाली क्यों नहीं हो रही है? और आपको सिखाया क्या जा रहा है, चिंता मत करो, राम नाम जपते रहो, टोटी खोले रहो, एकदम टंकी खाली हो जाएगी। पर कोई आपको ये नहीं कह रहा पहले मोटर बंद करो, मोटर बंद करो थोड़ी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो अगला पाप करना बंद करो और इधर धर्म पर चलना शुरू कर दो, पाप कट जाएगा। पर नहीं, पाप रोकना तो कोई कहता ही नहीं, सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम जो करना है करो, जुआ खेलो, पाप करो, बस जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका बच्चा अगर एग्जाम में पास नहीं होता है, बेल पत्र लीजिए, बीच के पत्ते में शहद लगाइए, शिवलिंग पर चिपका दीजिए, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। अब कहीं बच्चे को ये पता चल जाए तो पढ़ना ही बंद कर दे, और पास हो जाए तो हम जान लें। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो उसको कहिए रोज एक बेलपत्र चिपकाओ शिवलिंग, क्या करेगा? तो ये बच्चों को निकम्मा ही तो बनाना हुआ। श्रद्धा से पूजा कर लिया कोई बात नहीं, पर ये कह देना कि पास हो जाएगा, इसका मतलब वो उसकी संभावनाओं पर पत्थर मार दिया कि जो बच्चे तपस्या कर सकते थे, जो बच्चे मेहनत कर सकते थे, उसकी संभावनाओं को आपने बेलपत्र लगा के चिपका दिया, बंद, बस कुछ मत करो, हो जाओगे। किसी ने कहा कोई कथा सत्संग, कोई ध्यान, कोई धर्म की जरूरत नहीं, कोई सत्य हिंसा प्रेम की जरूरत नहीं, तुलसी का लकड़ी मरते समय अस्थि के साथ वहीं चिता में डाल दो, सारा पाप कट जाएगा, सीधे स्वर्ग चला जाएगा। अब आदमी पाप छोड़ेगा, अगर तो जितना करना है कर ही लेते हैं, फिर लास्ट में अपने बेटों को समझा देगा कि तुलसी डाल देना मेरी चिता में, नरक नहीं मिलेगा, सीधे स्वर्ग मिलेगा। फिर वो आदमी क्या करेगा, और पाप करेगा, राम का नाम लेके पाप करेगा, ठगेगा, चालबाजी करेगा, तो ये क्या होगा? इससे धर्म प्रचार होगा, धर्म स्थापना होगी। इसलिए संत कहते हैं जागृत रहिए, सत्य कड़वा होता है लेकिन आपके हित का होता है। आपके शरीर में कहीं घाव है तो आपका हितैषी वो नहीं है जो उस घाव को सहलाता है, हितैषी वो है जो कांटा लगा उसको बहा देता है। तो जो बहाएगा थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन बहाने का पीछे का जो भाव है वो आपको दर्द से मुक्ति प्रदान करना है, वो आपको उस अंग की सुरक्षा देना है। डॉक्टर क्या करता है, आपका शरीर में कहीं जख्म है, घाव है, पीड़ा है, डॉक्टर कैंची लेता है, ऑपरेशन कर देता है। अब आप डॉक्टर को गाली दीजिए कि तुम मेरा दुश्मन हो, तो क्या होगा? फिर आप पीड़ा से मुक्ति नहीं पाएंगे।
फिर वो घाव एक दिन ऐसा महाघाव बन जाएगा कि हो सकता है टांग कटवाना पड़ जाए। तो डॉक्टर अगर कैंची लगा रहा है तो उसके पीछे आपका प्राण लेना नहीं है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है आपको उस दर्द से मुक्ति जो आगे भयंकर हो सकता है। जो गुरु जो संत आपको यथार्थ बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। कई बार हमारी कुछ मान्यताओं पर थोड़ी प्रहार हो जाती है, कई बार हम आडंबर के अधीन होते हैं, उस पर चोट हो जाता है, दर्द हो जाता है, पर ऐसा नहीं। संत सदैव हितैषी होते हैं, जो आपके संसार के प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर हमारा हित चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को जब सुधार लेंगे, अपने मन को पवित्र कर लेंगे, तो समझ जाइए कि आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी तपस्या हो गई, आपका यज्ञ हो गया। और सिर्फ बाहर यज्ञ चलता रहे और कर्म सही नहीं किया तो कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई सत्संग नहीं हुआ। यही सत्संग चल रहा है। एक बालक यहां से संकल्प ले कि आज से हम माता पिता की सेवा करेंगे, तो माता पिता भी खुश होंगे और उसका मन भी पवित्र हो जाएगा और वो भी धर्म का ध्वज थाम लेगा। लेकिन एक बालक संकल्प ले कि हम माता पिता के फोटो पर अगरबत्ती घुमाएंगे और माता पिता को रोज एक लात मारेंगे, तो अगरबत्ती तो घुमाया लेकिन वो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई कर रहा है, माता पिता को लात भी मार रहा है, तो माता पिता उसको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। पर एक जो आज्ञा पालन कर रहा है, जो उनके आदर्शों की रक्षा कर रहा है, जो उनकी मर्यादा की रक्षा कर रहा है, जो कुल के गरिमा का ध्यान रख रहा है, माता पिता ही नहीं समाज भी उससे खुश होगा। तो असली पूजा, असली सत्संग वही कर रहा है जो अपने मन को निर्मल बना लिया है, जो अपने मन को पवित्र बना लिया है, जो अपने कर्म को शुद्ध बना लिया है और जो मानवता की सेवा में लग गया है, और वही धर्म का सच्चा राही है, सच्चा पथिक है। इसलिए बड़े ही भाव से, बड़े ही समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ सत्संग को हृदय में धारण कीजिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, बड़ी कीमत है इसकी। संतों ने इसलिए कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने क्या कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका अर्थ कि बड़े ही भाग्य से मनुष्य तन मिला, और ऐसा मनुष्य तन है जो देवताओं को भी दुर्लभ, मतलब देवता भी तरसते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। पर जरा विचार करिए कि कोई आदमी अगर जुआ खेल रहा है, हिंसा कर रहा है, मांस मछली खा रहा है, माता पिता से झगड़ा कर रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला? क्या उसके लिए शरीर भाग्य से मिला? क्या उसके लिए फिर दुर्भाग्य ही है जो इतना पाप कर रहा है? सौभाग्य तो तब होगा जब इस शरीर से पाप होना बंद हो जाएगा। जब तक इस शरीर से हम पाप कर रहे हैं, तब तक गोस्वामी जी की चौपाई झूठी साबित हो जाएगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ऐसे दुष्ट काम के लिए देवता क्यों तरसेंगे? जो आदमी नैतिक पतित हो चुका है, जो आदमी अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो आदमी भाई से झगड़ा कर रहा है, जो आदमी नशा कर रहा है, माता पिता का अपमान कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, तो क्या देवता ऐसा शरीर पाना चाहेंगे कि हमको ऐसा मनुष्य शरीर मिले? कौन सा शरीर पाना चाहते हैं देवता? और कौन सा मनुष्य सौभाग्यशाली है? मैंने पहले ही कहा था कि असली राम भक्त वो है जो माता पिता गुरु का सम्मान करे, सेवा करे, पूजा करे, जो राष्ट्र का सम्मान करे, जो राष्ट्र की सेवा करे, जो प्राणी मात्र पर करुणा करे, जो सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखे, वही राम भक्त है और वही सौभाग्यशाली मनुष्य है। और ऐसे ही मनुष्य का देह पाने को देवता तरसते हैं। पर जो छल कपट प्रपंच में जी रहा है, जो नरक मचा रखा है, जो गंदगी मचा रखा है, देवता ऐसे शरीर पाना नहीं चाहते। फिर ऐसे लोगों का शरीर समझो गलती से मिल गया, वो दुर्भाग्य। फिर वो ना जाने कितने पाप की योनि में जाएंगे, फिर कितना पाप भुगतेंगे। आगे भयंकर पापों से बचना है और इस जीवन में भी पाप से बचना है, तो धर्म ध्वज को थामिए, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण कीजिए।
कोशिश कीजिए कि सबके प्रति मैत्री का भाव स्थापित हो सके, सबके प्रति प्रेम का भाव स्थापित हो सके, श्रद्धा और भक्ति का भाव हृदय में स्थापित हो सके, तभी ये सत्संग सार्थक है। तो इस सत्संग के माध्यम से यही संकल्प, यही विचार कि सत्संग हमें जागृत करता है, हमारी सोई हुई चेतना को, हमारे भीतर फैले हुए हृदय में अंधकार को मिटाता है, प्रकाश करता है ज्ञान का, उजाला करता है सत्य का। और ऐसे सत्संग जब सच में हृदय में जागृत होता है तो इंसान सच में इंसान बन जाता है। फिर वो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न जैन, न बौद्ध, कुछ नहीं रहता, वो शुद्ध इंसान बन जाता है, फिर वो शुद्ध मानव बन जाता है। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, इस सृष्टि को है। तो हम सब मेहमान हैं इस धरती पर, और अलग अलग पोशाक पहने हैं, शरीर रूपी पोशाक। एक दिन सब अपना अपना पोशाक उतार देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो जब यहाँ से जाना है तो कुछ नेकी कमा के जाना, कुछ अच्छाई करके जाना, धर्म के ध्वज को थाम कर जाना, मन निर्मल करके जाना। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।